वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बुल मार्केट के बारे में। अभी आया तो नहीं है लेकिन आने वाला है, और कब आएगा ये भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बुल मार्केट जब आता है तो एग्जैक्टली होता क्या है उस टाइम पे, आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्रिप्टो का बुल रन हमने लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में देखा था, ठीक है, और उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ डुबकी लगा रहा है और नीचे ही चल रहा है। 7-8 मंथ हो चुके हैं यहाँ पे, मार्केट नीचे ही चल रहा है। तो नेक्स्ट बुल रन जब भी आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली बुल रन के अंदर होता क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे बुल रन पे एंट्री ली थी, और जब बुल रन नवंबर दिसंबर के बाद जो है अपना खत्म होता गया बुल रन, और उसके बाद मार्केट तब से जो है नीचे चल रहा है। तो बुल रन में एग्जैक्टली होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है बुल रन में मार्केट काफ़ी अच्छा चलता है, ग्रीन में चलता है, सभी कॉइन्स ऊपर जाते हैं, इतना सबको पता है, लेकिन बुल मार्केट में और क्या चीज़ें होती हैं एग्जैक्टली वो बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो बुल मार्केट होता है और बियर मार्केट होता है जब मार्केट की जो लेवल्स हैं, जो प्राइस हैं, वो नीचे की नीचे तरफ आते हैं, डाउन ट्रेंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। बियर मार्केट होता है नीचे आना, रेड मार्केट चलना, और बुल मार्केट होता है मार्केट के लेवल ऊपर की तरफ जाना, धीरे धीरे जैसे भी है ऊपर की तरफ ही जाना और अपने नए ऑल टाइम हाई जो है बना देना। तो वही चीज हमने अक्टूबर 2021 में देखी। सबसे पहली चीज बुल रन में एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो जितना पैसा बियर मार्केट में निकलता है, मार्केट से जितना पैसा इस टाइम पे निकल रहा है, और $1 trillion से हम आ चुके हैं, पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट जो है जितना पैसा निकला है $800 billion पे आ चुके हैं, $3 trillion के अराउंड थे अक्टूबर में, उतना उससे भी कहीं ज्यादा पैसा वापस आता है बुल रन के टाइम पे, उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा मार्केट में आता है, तभी जाके नए ऑल टाइम हाई जो है बनते हैं मार्केट में। तो 3 trillion हम पिछली बार पहुंचने वाले थे, इस बार जो बुल रन के अंदर पैसा आएगा जहां तक चांसेस हैं वो 4 trillion 5 trillion तक भी जा सकता है, बहुत बड़े नंबर हैं ये ट्रिलियंस के, $1 trillion भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो जितना पैसा बियर मार्केट में निकलता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा तो बुल मार्केट में फिर से वापस आता है, ठीक है, तभी आप हर क्रिप्टो के प्राइस जो है ऊपर जाते हुए दिखते हो। और बुल मार्केट में एक ऐसा मार्केट आपको दिखता है, मतलब हर कॉइन, जो भी आपने कॉइन ले रखे हैं, अच्छे फंडामेंटल कॉइन ले रखे हैं, हर कॉइन से आप प्रॉफिट में होते हो उस टाइम पे, हर कॉइन आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, बिल्कुल जो फंडामेंटल कॉइन्स हैं, मेटावर्स के कॉइन्स हैं, जेन्युइन कॉइन्स हैं, बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं जिन्होंने आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास होल्डिंग्स हैं, उन सभी कॉइन से आप प्रॉफिट में होते हो, क्योंकि बुल मार्केट होता ही ऐसा है, हर कॉइन आपको प्रॉफिट दे रहा होता है उस टाइम पे। बुल मार्केट का मतलब यही होता है कि बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी, मार्केट के अंदर सब कॉइन्स आपको ग्रीन में दिखते हैं, और काफी अच्छी ग्रीनरी, नॉर्मल ग्रीनरी भी नहीं, काफी अच्छे लेवल धीरे धीरे मार्केट के ऊपर जाते हैं, और काफी अच्छे प्रॉफिट आप सभी कॉइन से आपको मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि बियर मार्केट होता है खरीदने का टाइम, बुल मार्केट में भले ही आप एक पैसा मत डालो, क्योंकि उस टाइम पे पैसा डालना ठीक भी नहीं है, वहां से मार्केट जब नया ऑल टाइम हाई बनाएगा तो फिर नीचे भी आ सकता है, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप देखें बुल मार्केट के अंदर हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी होती है। और एक बुल मार्केट का ये भी बेनिफिट है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं बुल मार्केट से एक महीने पहले बुल मार्केट के टाइम पे, उन कॉइन्स के अंदर नए नए कॉइन्स में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है लोगों को, ये चीज हमने लास्ट ईयर भी देखी थी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए, नए नए कॉइन्स भी बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, नए नए अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्ग टर्म में आए हैं, जेन्युइन प्रोजेक्ट हैं जो क्रिप्टो मार्केट में लंबे टाइम के लिए आए हैं। तो बुल मार्केट में एक तरह से हरियाली होती है, सभी कॉइन्स आपको प्रॉफिट देते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो, बिटकॉइन, इथेरियम, सभी अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और चाहे वो मेटावर्स के कोई भी कॉइन हो, ठीक है, शिबा इनू हो या मीम कॉइन्स हो, जितने भी, सभी कॉइन से आप प्रॉफिट में होते हो। इसीलिए कहते हैं कि बुल रन का वेट आपको करना चाहिए, बुल रन में एग्जैक्टली ये सब चीजें होती हैं, और सभी कॉइन से आप प्रॉफिट में होते हो। अच्छे अच्छे फंडामेंटल कॉइन्स अभी आप जितना डिप में ले लोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही बाय करना है, SIP करनी है, DCA और ये सब अपनी रिसर्च के साथ करना है, लेकिन यही टाइम है खरीदारी करने का, ठीक है, प्राइस नीचे हो तभी आप खरीदोगे, जब प्राइस ऊपर जा रहे हो फिर आप भले ही एक पैसा मत डालो मार्केट में, ये रियलिटी है, ठीक है, एक पैसा बिल्कुल मत डालना आप बुल मार्केट में, आप अभी डाल के छोड़ सकते हो, और बुल मार्केट में बस आपको पैसा निकालना है, डालना अभी है, बुल मार्केट में निकालना है। और वो गलती लोग क्या करते हैं, बुल मार्केट में पैसा डालते हैं और बियर मार्केट में निकालते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं बियर मार्केट में। तो ये सब चीजें होती हैं जब एक बुल मार्केट आता है और सारी ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, हर कॉइन आपको प्रॉफिट उस टाइम पे देता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है,
किसी भी क्वाइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रिसर्च करें अपनी अच्छे से, रिसर्च करना भी जरूरी है। तो यही कुछ चीज़ें थी बुल मार्केट को लेके, अभी आया नहीं है, जब भी आएगा अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, और जल्दी ही आ सकता है बुल मार्केट भी। यही कुछ चीज़ें थी आज की इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।